परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 65वां जन्मदिन जो कि हर वर्ष की भांति हम लोग GIC ग्राउंड में मनाते आ रहे हैं, इस वर्ष भी मना रहे हैं। चूँकि पुराना वर्ष बड़ा थोड़ा ठीक नहीं था कोरोना की वजह से, इसलिए प्रशासन की अनुमति के अनुसार अनुरूप जो भी मानक है उनके हिसाब से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन जी के जन्मदिन के लिए सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयां देना चाहता हूँ। मेरा शुभ नाम संजय सिंह और मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला इंचार्ज हूँ। और आज हम माननीय बहन जी का 65वां जन्मदिन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पूरे देश में मना रहे हैं। पूरे देश के बहुजन समाज के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण बड़े जोरदार तरीके से और कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए अनुशासन तरीके से बड़े जोरदार तरीके से मना रहे हैं हम 65वां जन्मदिन। पहले अपना परिचय देना। मेरा नाम विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। आज दलितों पिछड़ों की मसीहा और शोषितों की पीड़ितों की हमारी बहन कुमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का 65वां जन्मदिवस है। बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। हर साल की तरह GIC ग्राउंड में मनाया जाता है। सभी कार्यकर्ताओं में जोश है। अब की से हमने प्रण कराया है छावनी विधानसभा के लोगों ने कि माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश के अंदर 5 बार मुख्यमंत्री बनाना है। ये प्रोग्राम जो हो रहा है बहन कुमारी मायावती जी का 65वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। बड़े उल्लास के साथ कार्यकर्ताओं में उल्लास है और ज्यादा से ज्यादा लोगों में उल्लास है। और आज के इस प्रोग्राम से 2022 का हम लोगों को मैसेज देना है। 2022 में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही पदाधिकारी लोग हैं, उन्होंने मुझे एक लाइक समझा और मैं अपने समाज से भी ये गुजारिश करना चाहूंगा कि देखिए सम्मान हमेशा। बहुजन समाज पार्टी आगरा, आज हमारी बहुजन समाज पार्टी हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के 65वें जन्मदिन पे हम लोगों को बहुत खुशी है और हम सभी लोगों को बधाई देते हैं। आज लाखों की करोड़ों की संख्या में इस मैदान में GIC मैदान में हम लोग अपनी बहन कुमारी मायावती जी नेता जी का जन्मदिन मनाने बहुत खुशी से आए हुए हैं। सब लोग अपने ढोल नगाड़े सब लेके आए हुए हैं और आज हमारी राष्ट्रीय नेताजी का जन्मदिन है और हर साल की भांति हम इस साल भी बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। और सभी लोगों से हमने मास्क पहनकर और सैनिटाइज लेकर सब लोगों से कहा, सभी यहाँ पे मैदान में मास्क लगाए हुए हैं। बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जन्मदिन पर बहुजन समाज पार्टी इस देश में रहने वाले बेसहारा लोग आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हमारे ये प्रोग्राम है, इसमें हम कोई केक नहीं काटेंगे, कोई मिठाई नहीं बांटेंगे, बल्कि ये बहुत शालीनता के साथ ये हमारा प्रोग्राम आयोजित किया गया। और इस मौके पर हम लोग जो भी कमजोर मजलूम बेसहारा लोग हैं उनकी हर स्तर पर मदद करेंगे। 2022 का चुनाव नजदीक है तो क्या तैयारियां पार्टी ने बूथ स्तर पे आगे? देखिए बहुजन समाज पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है।
हमारी पार्टी का संगठन सर्व समाज के भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार तमाम से फ्रंट आ गए हैं, ओवैसी भी अब कूद पड़े हैं यूपी के चुनाव में। जब चुनाव आते हैं तो नई नई पार्टी आई जाती है। और मुख्य स्वामी जी के साथ में सैकड़ों साथी आए, उनका हार्दिक अभिनंदन, उनकी पत्नी आशा और मैं अचक खड़े। सभी सेक्टर मंडल जिला महानगर के सभी पदाधिकारी सम्मानित मंच साथियों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज बारे के बीच में जब बलंत जी की सरकार थी तो कैसा कानून का राज होता था, चाहे गरीब बटन सच के साथ सही पता हूँ। मैं खड़ा हूँ इस समय जीआईसी ग्राउंड में, जहाँ पर बहन मायावती का 65वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप देख रहे हो चार तरफ कितना हर्षोल्लास का उत्सव है। मैं अपने कैमरामैन आनंद भाटिया के साथ नरेंद्र भाटिया, दरबार टाइम्स, आगरा। खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।